और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ मेरी आवाज़ आपको साफ सुथरी सुनाई दे रही कि नहीं, बिकॉज द होल रीज़न कि हमने ये हेलमेट खरीदा है वो था विंड डिस्टॉर्शन साउंड जो पुराने हेलमेट में हमारे आता था। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। इतने दिनों के बाद मिलने की वजह ये थी कि मैं एक ही महीने में दो बार बीमार पड़ा, मतलब बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ा। ऑलमोस्ट पहली बार जब बीमार पड़ा तो 9-10 दिन में बीमार था, उसके बाद 4-5 दिन बीमार था और पता नहीं क्या था। वैसे तो डॉक्टर के पास मैं गया था, डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, इट्स ओके, दवाई दी एंड और मैं ठीक हो गया। बट देन ऐसे लग रहा था कि जैसे बॉडी में कोई ताकत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी करने का दिल नहीं होता था, सिर्फ सोया रहता था मैं। तो चलो कोई नहीं, अभी मैं ठीक हूँ और जस्ट ऑफिस से निकला हूँ मैं। दिस इज़ हीरानंदनी पवाई। ऑफिस से मैं निकला हूँ और जैसे आपने देखा थंबनेल में, हम लोग जा रहे हैं हेलमेट लेने के लिए, नया हेलमेट। ये हेलमेट काफ़ी पुराना भी हो गया और सेकेंड थिंग इसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आता है, विंड डिस्टॉर्शन अभी भी शायद से आता होगा। तो अभी हम नया हेलमेट लेंगे और कल है हमारी एक राइड है, छोटी राइड है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 170 किलोमीटर्स है, तो उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंधेरी। अंधेरी में मुझे दोस्त से पता चला, मेरे फ्रेंड से, कि वहाँ पे काफ़ी शॉप्स है अंधेरी ईस्ट में, ऑन द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। मैं थाने में रहता हूँ, थाने में सिर्फ एक ही शॉप है जहाँ पे, मतलब वैसे 2-3 शॉप है, लेकिन मुझे एमटी का हेलमेट लेना है और एक ही शॉप है जहाँ पे एमटी का हेलमेट मिलता है। बट देन बहुत लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो मैंने सोचा चलो ऑफिस जाते हैं आज, ऑफिस के बाद आई विजिट दिस प्लेस इन अंधेरी एंड जस्ट सी व्हाट आर द कलेक्शन, क्या कलेक्शन है उनके पास, और एक नया हेलमेट ले लेते हैं। और आप सोचोगे कि मुझे आज मैं एक्टिवा चला रहा हूँ, एक्टिवा चलाने की वजह यह है कि जो हेलमेट हम खरीदेंगे उसका बॉक्स रखने के लिए जगह भी होनी चाहिए और बाइक पे मैं अकेले वो कर नहीं सकूँगा, तो इसके लिए हमने आज एक्टिवा ली है। एक्टिवा इज माई वर्क हॉर्स, मतलब राइड छोड़ के बाकी सब काम मेरे एक्टिवा पे होते हैं। तो गाइस फिर अभी हम मिलते हैं सीधा हेलमेट के शॉप में, तो देखते हैं वहाँ पे उनके पास क्या कलेक्शन है और हमें कौन सा सूट करता है हमारे बजट में, क्योंकि बजट की भी थोड़ी बजट के बारे में सोचना पड़ता है। आई एम न्यू यूट्यूबर, अभी मोनेटाइजेशन शुरू नहीं हुआ है और काफ़ी सारा खर्चा होता है राइड्स में। तो गाइस अभी हम JBLR से लेफ्ट ले चुके हैं, ये है महाकाली रोड है। गूगल ने कहा कि यही सबसे नज़दीक वाला रास्ता है, वैसे तो मैं वहाँ से जा सकता हूँ साकी नगर से भी, लेकिन गूगल शायद से वहाँ पर ट्रैफिक रहेगा, इसके लिए गूगल ने ये सजेस्ट किया है। काफ़ी छोटा रास्ता है ये। तो ये लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे महाकाली केव्स है, इसकी एंट्री आगे है, ये देखिए, देख सकते हो आप। सुबह ही हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे।
एड्रेस मुझे ये दिया गया था कि परफेक्ट सीट्स है, इसके आसपास आपको काफ़ी हेलमेट्स की शॉप है। ऑलरेडी मैं 2-3 तो देख चुका हूँ, देख रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ अंदर जाके क्या अवेलेबल है यहाँ पे। बेसिकली हमको तो एमटी का हेलमेट लेना है, तो वी आर एट पप्पा सीताराम हाउस, तो चलो फिर देखते हैं अंदर क्या है। तो गाइस हमने एक एमटी का हेलमेट ले लिया है, काफ़ी आगे पीछे करके मतलब काफ़ी चॉइसेस थी यहाँ पे, तो आई वाज नॉट श्योर कि कौन सा खरीदूँ। फिर मैंने मेरे बेटी से साथ वीडियो कॉल किया एंड देन अल्टीमेटली दिस इज़ द वन, दिस इज़ द एमटी। ये कौन सा सीरीज है सर? एमटी टार्गो है। एमटी टार्गो विद स्पॉइलर, टार्गो 2, एमटी टार्गो 2 विद अ स्पॉइलर। थोड़ा महंगा है लेकिन चलो हमने सोचा कि प्रीमियम क्वालिटी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और सेफ्टी इज समथिंग जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, तो फिर चलो देखते हैं इसका रिव्यू हमको हम आपको बाद में देंगे यूज करने के बाद। सो गाइस हमने हेलमेट खरीदा एमटी का जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, तो अभी घर पे जाएंगे और सबसे पहला तो माउंट लगाना पड़ेगा, माइक सेटिंग करना पड़ेगा, तो दिस इज द शॉप आर्यन हेलमेट्स जहाँ से ये हमने खरीदा है एंड दिस इज इन अंधेरी ईस्ट। इनके दो शॉप्स हैं पास पास में, तो चलो अभी ये हेलमेट मैंने यहाँ पे रखा है, लेता हूँ मैं एंड देन घर चलते हैं। तो दिस इज हाउ दी हेलमेट लुक्स, दिस इज द एमटी टार्गो प्रो सीरीज है इनका। मैं हमर देख रहा था बट देन हमर का जो फिटिंग है ये मेरे फेस के लिए बराबर नहीं था, वो हो नहीं रहा था, इसके लिए फिर मुझे ये वाला लेना पड़ा। सो दिस इज ईसी एंड डॉट सर्टिफाइड 1450 ग्राम्स, लार्ज साइज पहनता हूँ मैं। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा पुराना हेलमेट है, दिस इज द ओल्ड हेलमेट, इसका ये माइक है, ये हमको निकालना है और नए हेलमेट में फिट करना है। सो गाइस हमने ये माइक की फिटिंग कर दी है, मतलब बेसिकली यहाँ पे लॉक्स है, बेसिकली यहाँ पे लॉक्स है, इसके पीछे बटन्स है, बटन्स खोल के इसकी केबल जो है ये हमने यहाँ पे इसके नीचे डाल दी है, और जो ये पिन का एंड है ये यहाँ से हमने बाहर निकाला है, इसको थोड़ा मैंने यहाँ पे केबल को सेट कर दिया है, और जो माइक है बेसिकली ये फोम है इसके पीछे रखा है। तो अभी हमने ये माइक लगाने के लिए वाइजर निकाला है, तो अब मैं काम करता हूँ, अभी मैं जो कैमरा का माउंट है वो यहाँ पे फिट करता हूँ एंड देन वाइज़र लगाऊंगा। तो गाइस ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट है कैमरा माउंट करने के लिए, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, क्वाइट रिलायबल, क्योंकि मेरे पहले वाले हेलमेट पे भी मैंने यही लगाया था और मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ इसके वजह से, इनफैक्ट बहुत स्टर्डी है ये। द बेस्ट पार्ट अबाउट इस मैं पहले ये खोलता हूँ बाद में आपको दिखाता हूँ। गाइस जैसे मैं बोल रहा था द बेस्ट पार्ट अबाउट इस ये जो मटेरियल है ये फ्लेक्सिबल मटेरियल है, तो ज़रूरी नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर शेप के हेलमेट पे ये लगता है, ये हर शेप में अपने आप ये फ्लेक्सिबल होने की वजह से ये फिट हो जाता है। सेकेंड बेस्ट थिंग इज़ ये देखिए, आप देखोगे तो यहाँ पर स्लिट है, स्लिट की वजह से भी आपको अलग अलग शेप के हेलमेट में ये अच्छी तरह से फिट हो जाता है। तो मैं अभी इसका ये जो एडहेसिव है, एडहेसिव पार्ट है इसका, जो ऊपर का जो कवर है ये निकाल के मैं इसको फिट करता हूँ, और ये फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस हमने ये ब्लू आर्मर का जो माउंट है, चिन माउंट है, ये हेलमेट पे फिक्स कर दिया है। अभी मैं काम करूँगा, मैं एक छोटा से राउंड पे जाता हूँ और चेक करता हूँ कि इसका एंगल कैसा है, बराबर है क्या, क्योंकि ये मुझे थोड़ा नीचे लग रहा है,
पता नहीं इसका हेलमेट का शेप थोड़ा अलग है इसके वजह से वैसा रहेगा। तो चलो कोई नहीं, मैं जाके चेक करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। सो गाइस हम अभी नीचे आ चुके हैं और कैमरा एंगल कैसा है, मतलब कैसे बराबर कैमरा सेट हुआ है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है मेरी आवाज़ आपको साफ सुथरी सुनाई दे रही है कि नहीं, बिकॉज द होल रीज़न कि हमने ये हेलमेट ख़रीदा है वो था विंड डिस्टॉर्शन साउंड जो पुराने हेलमेट में हमारे आता था। तो ये नए हेलमेट में वो रेक्टिफाई हुआ है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो मैं बस अभी एक छोटा सा राउंड लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए आता हूँ सुबह। ये एरिया बस मेरे बिल्डिंग के पीछे की तरफ ही है, मतलब दोनों तरफ मैंग्रोव है और उसके बीच से ये रास्ता जाता है। शाम को भी लोग यहाँ पे वॉक करने के लिए आते हैं, आप देख सकते हो। तो अभी हम ऐसे ही बात करते रहेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि हमें चेक करना है कि विंड नॉइस रिडक्शन हुआ है कि नहीं। सेकेंडली अभी तो स्पीड तो मेरा ज़्यादा नहीं है, तो हमें कल जब हम राइड पे जाएंगे, एक छोटी सी राइड पे मैं जा रहा हूँ जैसे मैंने पहले कहा था, तो हम लोग चेक करेंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है तभी। होप सो ये इतना जो खर्चा करने के बाद ये रेक्टिफाई होना चाहिए, वरना इट विल बी ए वेस्ट। ये 1.5 किलोमीटर है टोटल आना जाना, मतलब ये जो एंड पॉइंट है यहाँ पे स्वामी समर्थ का मठ है। तो थर्सडे को यहाँ पे काफी भीड़ होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्राउंड भी बना है क्रिकेट खेलने के लिए। बहुत पीसफुल जगह है यहाँ पे, काफी बर्ड्स भी जाते हैं, फ्लैमिंगोज भी दिखते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि अभी ये जो नया सेटअप है इसमें मेरी आवाज़ कैसे आ रही है। हेडली हमें हाईवे पे जाना था, एक 5-6 किलोमीटर का राइड में मार के आता था, तो हाई स्पीड पे कैसे आवाज़ आती है ये भी चेक हो सकता था कि इसमें भी इसमें वॉइस विंड डिस्टॉर्शन आ रहा है कि नहीं, वो भी चेक हो सकता था। अभी हम घर पे जाएंगे फिर से और मैं चेक करूंगा ये वीडियो का साउंड कैसे आ रहा है एंड वीडियो का एंगल ठीक है कि नहीं। ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद मैं ये गाड़ी निकाल रहा हूँ। ये गाड़ी में चलाता ही नहीं यार, इनफैक्ट मतलब जब राइड में जाता हूँ तभी निकालता हूँ, नहीं तो जो मैं अपनी एक्टिवा है हमारा वर्क हॉर्स सब पूरा काम उसी पे हो जाता है। तो चलो हम अभी घर जाते हैं एंड देन चेक करके आपको बताएंगे कि हाउ इज द साउंड क्वालिटी एंड हाउ इज द कैमरा एंगल। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और मैंने कैमरा पे ही देखा है कि एंगल कैसा था। एंगल थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, लेकिन अभी देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं उसका।
सेकेंड थिंग इज साउंड मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन अनलेस एंड अनटिल आई डोंट एडिट द वीडियो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मैं भी काम करता हूँ, ये वीडियो एडिट करता हूँ, और फिर आप खुद बताइए कि साउंड क्वालिटी कैसा था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। टेक केयर।